बसपा अक्सर सुर्खियों में रहती है, कभी सांसद टूटने पर, कभी विधायक टूटने पर, तो कभी नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाने पर। लेकिन इस बार इस सब वजहों से चर्चा में नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा पर चर्चे में है। आज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखते हुए कहा, बीएसपी देश में लोकसभा का आम चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ रही है। ऐसे में चुनावी गठबंधन या तीसरी मोर्चा आदि बनाने की अफवाह फैलाना ये गलत न्यूज है। मीडिया ऐसी शरारतपूर्ण खबरें देकर अपनी विश्वसनीयता ना खोए, लोग भी सावधान रहे। खासकर यूपी में बीएसपी की काफी मजबूती के साथ अकेले चुनाव लड़ने के कारण विरोधी लोग काफी बेचैन लगते हैं, इसलिए ये आए दिन किस्म किस्म की अफवाहें फैलाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते रहते हैं। किंतु बहुजन समाज पार्टी के हित में बीएसपी का अकेला चुनाव लड़ने का फैसला अटल है। अब बसपा का अकेले चुनाव लड़ना उसे कितना फायदा या कितना नुकसान होगा वो चुनाव परिणाम ही बताएगा। बसपा जो पिछले एक दशक पहले उत्तर भारत में सबसे प्रभावशाली राजनीतिक दलों में गिनती होती थी, जिसके 20 से ज़्यादा सांसद और उत्तर भारत में कई राज्यों में सैकड़ों विधायक हुआ करते थे, वो आज अपने जनाधार को खोती हुई नजर आ रही है। पिछले 3 लोकसभा में 3 विधानसभा की बात करें तो ये साफ नजर आ रहा है कि जनता का बसपा के प्रतिरोध विश्वसनीयता कम हुई है। उत्तर प्रदेश में 2007 में विधानसभा चुनाव बीएसपी अपने दम पर लड़ी और 208 सीट जीतकर अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 2012 में चुनाव में बसपा 80 सीट तो 2017 में 18 पर पहुंच गई। फिर 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बसपा के खाते में सिर्फ 1 सीट आई। वहीं लोकसभा के आखिर के 3 चुनाव परिणामों पर नजर डालें तो कुछ खास नहीं रहा है। जहां 2009 में 21 सांसद चुनके संसद पहुंचे थे, वहीं 2014 में बसपा का खाता तक नहीं खुला। 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले सपा बसपा का गठबंधन हुआ तो पार्टी में नई जान आई। इस गठबंधन में सपा का तो कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन बसपा जो पिछले आम चुनाव में शून्य पर थी उसको 2019 के आम चुनावों में 10 सीटें जरूर मिली। मौजूदा हालत में उन 10 सांसद में से अंबेडकर नगर से सांसद रितेश पांडे और अमरोहा से सांसद दानिश अली और ने आज अमरोहा से सांसद दानिश अली ने बसपा साथ छोड़ दिया। इन सब के दौरान पार्टी लगातार टूटती रही। पार्टी के बड़े नेता रामचंद्र राजभर, रितेश पांडे, सुषमा पटेल जैसे दर्जनों नेता पार्टी छोड़कर चले गए और ये सिलसिला उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ में भी रहा है। 2023 में आते हुए पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया। अब सवाल ये उठता है कि आने वाले वक्त में बसपा लोगों को कैसे अपने से जोड़ पाएगा या क्या बसपा 2024 के आम चुनाव में गठबंधन न करके ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। अब सवाल ये उठता है कि आने वाले वक्त में बसपा की लोगों को कैसे अपने से जोड़ पाएगी, क्या बसपा के लिए 2024 के आम चुनाव में गठबंधन ना करके ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। ये उसकी पहल उसको इस चुनाव में एक नई पहचान देगी।